वीडियो का डिस्क्रिप्शन से एक काइन मास्ट अपलीकेशन को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है नाइन इंटू सोलह का इसी सेलेक्ट कर लेना है मीडिया पे आना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गर्ल वीडियो का लिंक दे चुका हूँ सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है लेयर पे आना है मीडिया पे आना है आपने जो ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखी है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव करना है तो आपको एक से दो बार वीडियो को प्ले कर, कर देख लेना है यदि तो आपको लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लैर पर क्लिक करेंगे कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और टीम टू लेफ्ट कर देंगे राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको यहाँ पर टीम टू राइट कर देना है वीडियो को आपको शूट कैसे करना है एक मोबाइल फ़ोन में सॉन्ग को प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक दे चुका हूँ इसके बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का सिंपल आपको इसे इनेबल कर देना है इनेबल करने के बाद आपको सही से एडजस्ट करना होगा तो सिंपल आपको काफ़ी ध्यान से यहाँ पे देखना है किस तरह से एडजस्ट करना है जो आपको क्रोमा की जो बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा था ग्रीन स्क्रीन उसे आपको रिमूव कर देना है तो मैं आपको सही से रिमूव करके दिखा रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पर करना है क्या आपको सो मास पर क्लिक करना है और इसके बाद जो आपका बॉडी जो है ना आपको वाइट दिखना चाहिए और आपको ग्रीन स्क्रीन जो है आपको ब्लैक दिखना चाहिए कुछ इस तरह से अपने हिसाब से अडजस्ट आपको यहाँ पे कर लेना है तो देख सकते हैं लगभग यहाँ पे अडजस्ट हो चुका है तो कुछ इस तरह से आपको अडजेस्ट कर लेना है इसके बाद इसे फिर से क्लिक करते हैं इसके बाद डन करेंगे वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे इसके बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन में कर देना है सॉरी फिर से मैं स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ ऑफ करता हूँ और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और आपको जूम करने के बाद सही से आपको अडजेस्ट कर लेना है इसके बाद डन करते हैं अडजेस्ट करने के बाद आप जो वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रेन टू राइट कर देना है और वीडियो हमारा यहाँ पर एडिट हो चुका है इसके बाद क्या करना है सेटिंग पे क्लिक करना है आइडियो फेट आउट को ऑफ कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों वीडियो में ना साउंड ऐड है तो किसी एक वीडियो का साउंड को म्यूट कर देना है तो सिंपल मैं ओरिजिनल वीडियो को साउंड को म्यूट कर देता हूँ शेयर पे क्लिक करना है एच डी सेवन ट्वेंटी फी और थर्टी सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको चार से पाँच घंटे वेट कर लेना है यदि आपको इस वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ पहले वीडियो को एक्सपोर्ट होने दीजिए तो यहाँ पे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है एक्सपोर्ट होने के बाद इसे हम दो बार बैक करेंगे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद मीडिया पर आना है बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपल ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे इसे आपको कुछ इस तरह से 18 से 20 सेकेंड तक कर देना है वीडियो को अकॉर्डिंग आपको देख लेना है लेयर पे आना है मीडिया पे आना है और जिस वीडियो को अभी फ़िलहाल में एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको जूम या कर कर सही से एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है डन करना है लेयर पे आना है मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट किए थे ग्रीन स्क्रीन में उस वीडियो को लेकर आना है और इसके बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अडजेस्ट कर देना है इस तरह से आपको दोनों वीडियो को अडजेस्ट कर देना है अडजस्ट करने के बाद लेयर पे आना है मैंने और यहाँ पे कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं सिंपल इस पर सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से और ऊपर की तरफ हम इसे अडजेस्ट कर देते हैं ठीक है कुछ इस तरह से इसके बाद फुल साइज़ में कर देंगे और इस वीडियो को भी आपको अपलोड करना है सिंपल आपको करना क्या है शेयर पर क्लिक करना है एच डी सेवन ट्वेंटी फी और थर्टी सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है इस वीडियो को आपको चार से पाँच घंटे बाद अपलोड करना है यदि आपको और जो वीडियो आपने एडिट किए थे उस वीडियो पे लाइक एंड व्यूज नहीं आता है तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखना चाहता है वीडियो को एडिट कैसे किया है और वीडियो को शूट कैसे किया है तो इस तरह से भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकते हैं